मेरे मुझे तीन चार राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है. तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई. सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला. तो सब इकट्ठे हुए हुए हैं जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए. कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं. इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ. मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए. क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए. आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है. और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी. फिल्म की कास्ट भी इस पे विरोध कर रही है. देखा जाए तो मिस्टर चक्रवर्ती को ले जाए तो क्रिश को ले आ जाए, मतलब उनका सिर अबाउट इट से क्या. मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा कि आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है. अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था, तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है, तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है. अगर उनको ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जिन लोगों को ग्रैटिट्यूड नहीं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना. उनका तो श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए क्या? जब क्राइस्ट आए थे उनको भी सूली पे लटका दिया था, तो वही नहीं कुछ कर पाए ऐसे लोगों का, तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर भी छोटे मोटे ह्यूमन बींग्स हैं. तो जो लोग नहीं सुधरने वाले वो नहीं सुधरने वाले, लेकिन जो लोग इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं और जो इस फिल्म को सम्मान दे रहे हैं और जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई है, मैंने डायरेक्शन में एक भी पैसा नहीं लिया, अपनी ज़िंदगी का एक साल दिया, दो फिल्में छोड़ी, जो दो फिल्मों का मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही 20 करोड़ से ज़्यादा के थे, समझे आप? तो जिन लोगों ने नहीं सुधरना है उनको तो कोई नहीं सुधार सकता, उनकी बात मत कीजिए. लेकिन जिन लोगों ने अपना पूरा इस फिल्म को वक्त दिया है उनके नाम ही आपको याद आते हैं क्या? प्रसून जोशी का नाम नहीं आता था, शंकर एहसान लोहे का नाम नहीं आता था. जी स्टूडियो ने इतना पैसा लगाया, पहली बार एक फिल्म को मेरे पे नहीं लगाया, झांसी की रानी पे लगाया इन बच्चों तक पहुंचाने के, उनके नाम याद नहीं आते आपको? जिस इंसान का कोई नाम नहीं है उसका नाम बना रहे हैं आप?